दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरोही और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आखिर फीमेल्स कितना देर चाहती हैं, यानी कि कितनी देर में वो सेटिस्फाई होती हैं। ये काफ़ी रूमर्स भरा है ना, यानी कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि और वो भ्रम भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली न्यूली मैरिड कपल या फिर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये लगता है कि क्या कैसे वो सेटिस्फाई होगी, वो क्या चाहती है। टाइमिंग के बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 या 1 घंटे या फिर 2 घंटे, कितनी देर में होगी फीमेल सेटिस्फाई। हमारी सोसाइटी में टाइमिंग से लेकर साइंस तक हर एक चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। फीमेल किस तरीके से सेटिस्फाई होती है, जो थिकनेस होनी चाहिए, लेंथ होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न जाने कितनी सारी बातें। बट आज मैं बताऊंगी सबसे ट्रूथ, जो साइंस आपसे कह रहा है, साइंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारी बातें हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स को लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए, जी हाँ, उन्हें ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं चाहिए, बट हाँ, उन्हें जितने भी हो वो फुल सेटिस्फाइंग हो। अब वो सेटिस्फाइंग कैसे होती है, अगर हम कंपेयर करें मैन और फीमेल के, तो फीमेल से ज़्यादा मेल को होती है जल्दबाजी और उन्हें ज़्यादा चाहिए सेटिस्फेक्शन। वो खुद चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करना, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं है। बात करें फीमेल्स को, तो फीमेल्स को सेटिस्फाइंग इंटरकोर्स चाहिए होता है, यानी कि फुल प्रोसेस। फर्स्ट फोरप्ले, सेकेंड इंटरकोर्स एंड थर्ड इज आउटप्ले। बात करते हैं फोरप्ले की। फोरप्ले वो जैसे चाहती हैं, जिस तरीके से चाहती हैं, आप कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल पे कैसे करते हैं फोरप्ले एंड क्या है बेस्ट तरीका जहाँ से लड़कियाँ होती हैं फुल सेटिस्फाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि लड़कियाँ जो है वो हर तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करती है, बिकॉज वो फीलिंग के साथ कनेक्ट होना चाहती है। ऐसा नहीं कि बस वो एंजॉयमेंट के लिए ही कनेक्ट होती हैं, बट वो फीलिंग्स चाहती हैं। फीमेल्स को डिफरेंट तरीके पसंद हैं, यानी कि डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट तरीके, रोमांटिक, जैसे कि आजकल के फिल्मों में वो देखती हैं या फिर कहीं भी वो देखती हैं, उसी तरीके से रोमांस करना चाहते हैं। रोमांटिक और डिफरेंट तरीके जो हमेशा से एक्सपेक्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने मेल पार्टनर से। टाइमिंग कोई कंफर्म नहीं है, वो कपल के बीच की बात होती है कि क्या उनकी टाइमिंग है, वो किस टाइमिंग तक सेटिस्फाई होते हैं। बट हाँ, एक कंफर्म टाइमिंग कह देना कि हाँ 5, 10 या 15 मिनट, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा अकॉर्डिंग टू साइंस। ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है इसी पर डिपेंड करती है कि आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। तो यही है पूरे वीडियो का कंक्लूजन, और उसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट अस, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक कीजिए वीडियो को, और जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।